राउंड जो फायरिंग है वो की गई है और उसके बाद से लगातार वो कहीं ना कहीं टीएमसी के ऊपर इसको लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन लगातार वो बोल रहे थे उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, वो अपनी शीशे आप देखेंगे उनकी गाड़ियों के उस पर भी आपको गोलियों के निशान मिलेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में बड़ी खबर ये नजर आ रही है कि बम भी अब पुलिस को वहां से रिकवर किया है। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार इन सब की जरूरत क्यों, गोलियों की जरूरत क्यों, बम की जरूरत क्यों, यही बड़ा सवाल है। इसी को लेकर कल तमाम जो स्टूडेंट्स थे, लोकल लोग थे, वो सड़कों पर उतरे थे। लेकिन नॉर्थ परगना की ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जहां पर फायरिंग लगातार की गई है, गाड़ी पर फायरिंग की गई है, ये भी इनिशियल जानकारी मिल रही है कि दो लोग घायल भी हुए, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर अब इस पूरे मामले में यही निकल कर सामने आ रही है कि बम भी वहां पर जो है वो रिकवर किया गया है और पुलिस जो है उस बम को वहां से रिकवर कर रही है। कई लोगों से पूछताछ होने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार इन सब की जरूरत क्यों, आखिरकार इन सब गोलियों की जरूरत क्यों, बम की जरूरत क्यों, क्यों जब भी कोई आवाज उठाने के लिए सड़कों पर निकलता है तो उस पर हमला किया जाता है। कल स्टूडेंट्स पर होते हुए हमने हमले देखे, वाटर कैनन का इस्तेमाल देखा। आज जब बीजेपी के तमाम नेता सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन पर भी इसी तरीके से। नॉर्थ परगना की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि गोलियों की आवाज आपको साफ तौर पर चलती हुई सुनाई देती हुई नजर आएंगी, बिल्कुल साफ तरीके से आपको सुनाई और चलती हुई नजर आ रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि कैसे गाड़ी के ऊपर जो है शीशे जो है वो पूरे तरीके से टूटे हुए हैं। लगातार इस तरीके की तस्वीरें कोलकाता की अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है, जहां पर कहीं गोलियां चलाई जा रही हैं तो कहीं बीजेपी नेताओं का घेराव करके गो बैक के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर इस पूरे मामले में कि बम भी वहां से जो है वो रिकवर किया गया है। सवाल वही खड़ा होता है कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है क्यों प्रशासन इसको लेकर ध्यान नहीं दे रहा है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, हूबहू आज वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। आज पुलिस प्रशासन बीच में है, लेकिन नॉर्थ परगना से जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीरें नॉर्थ परगना से आ रही है, जहां पर गोलियां चलाई गई। और अब जो बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे केस में हो रहा है, तो बम भी वहां से रिकवर किया है जिसको पुलिस से अपने कब्जे में लिया है। तो सवाल भाई कि आखिरकार इन सब की जरूरत क्यों पड़ रही है एडमिनिस्ट्रेशन को। जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जो लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर इस तरीके के हमले क्यों। कल स्टूडेंट्स पर हमले होते हुए सभी ने देखे और आज नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के जो नेता है उनके ऊपर हमला होते हुए सभी ने देखा। और लगातार ऐसी तस्वीरें आप यहाँ पर भी देख लीजिए, साउथ कोलकाता की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि रूपा गांगुली जो है वो यहाँ पर पहुंची है और कहीं ना कहीं टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने घेर लिया है और कहीं ना कहीं गो बैक के जो नारेबाजी है वो कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर की जा रही है। हालांकि आप देखेंगे पुलिस लगातार जो चारों तरफ से रूपा गांगुली को घेर कर एक सेफ पैसिव जो है वो यहाँ पर देख रही है। आप देखेंगे कि महिला पुलिसकर्मी भी अब यहाँ पर है जो कहीं ना कहीं डिटेन अब रूपा गांगुली को साफ तौर पर करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आप देखेंगे कि महिला पुलिसकर्मी है वो अब रूपा गांगुली को हटा रही हैं और कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनके हाथ वगैरह पड़कर उनको जहाँ पर वो लोगों से बात कर रही थी उनको अब यहाँ से हटाया जा रहा है। मैम डिटेन कर रहे हैं तो आपको कर रहे हैं मैम अरे करने दो के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, उन लोगों को कोई डिटेन नहीं कर रहा है। तुम्हारे बाड़ी ते मैं नहीं, अरे हाथ छोड़ो, एकदम हाथ छोड़ो, एक का हाथ लगा मैंने गाय। तुम्हारे बाड़ी ते मैं नहीं, क्या हो चे? आजी कौन है डॉक्टर मेटा? तुम्हारे बोन वाले क्या मन लगतो? पुलिस से चक्की जा कोटे? महिला पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर है, वो लगातार इस बात का विरोध भी कर रही है। वो विरोध दरअसल इसको लेकर कर रही है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप ये देखिए कि जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं उनको कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत रूपा गांगुली को जो है वो डिटेन यहाँ से किया जा रहा है और पुलिस जो है वो लगातार उनको हटा रही है। आप तस्वीरें देखिए, महिला पुलिसकर्मी जो है वो लगातार उनको यहाँ से हटा रही हैं। वो अकेली यहाँ पर महिला थी जो कि लगातार बात कर रही थी, लोगों से अपील कर रही थी कि उनको जो है वो लोगों का समर्थन मिले, वो हाथ जोड़कर चल रही थी। लेकिन अब आप तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर पर देखेंगे कि पुलिस प्रशासन उनको अब यहाँ से हटा रहा है। आप देखेंगे महिला पुलिसकर्मी जो यहाँ पर हैं वो लगातार उनको यहाँ से हटाने के लिए बोल रही हैं। तस्वीरें मेरे वीजे उज्जवल आपको दिखाएंगे, देखेंगे किस तरीके से जो महिला पुलिसकर्मी है उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, अब यहाँ से जो उनको साफ तौर पर हटाया जा रहा है।
तो ये तस्वीर आप साउथ कोलकाता की देख रहे हैं, जहाँ पर रूपा गांगुली जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। कहीं ना कहीं आज जो भारत बंद का कॉल किया गया था उसको लेकर यहाँ पर पहुंची थी, लोगों से अपील कर रही थी, जनता से अपील कर रही थी कि हमारे इस मुहिम के साथ जुड़िए। टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचते हैं, गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। अब रूपा गांगुली को आप देखेंगे कि उनको अब यहाँ से साफ तौर पर हटाया जा रहा है, जो डिटेन है वो किया जा रहा है। संभवतः ये जो पुलिस की वैन आप देख रहे हैं, इसी वैन में रूपा गांगुली को बिठाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से हटाया जाएगा। सवाल भाई कि जहाँ जहाँ बीजेपी के नेता पहुँच रहे हैं वहाँ या तो उनके ऊपर गोलियाँ चलाई जा रही हैं, जो हमने नॉर्थ 24 परगना में देखा, और साउथ कोलकाता की आप तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर बीजेपी की नेता पहुँची हैं प्रोटेस्ट के लिए, समर्थन के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, वहाँ पर अब उनको पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है और संभवतः अब उनको यहाँ से हटाया जाएगा। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख रहे हैं कि कैसे उनको डिटेन किया गया है। जो पुलिसकर्मी या महिला पुलिसकर्मी वो लगातार उनको गाड़ी में बिठा रही हैं और उसके बाद अब उनको यहाँ से हटाया जाएगा। तो आज कोलकाता की सड़कों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहाँ पर बीजेपी जो है वो प्रोटेस्ट करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, वो गो बैक के नारे लगा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई ना होके बीजेपी के जो नेता हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई साफ तौर पर की जा रही है। Look, what I am saying is not about any person. We are saying. आज बिल्कुल देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। रूपा गांगुली जो कि साउथ कोलकाता में पहुंची थी, उनको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। कोलकाता पुलिस की आप ये वैन देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, इसी में रूपा गांगुली को डिटेन किया गया और अब पुलिस रूपा गांगुली को यहां से हटा रही है। आप ये तस्वीर इस लिहाज से भी समझे कि एक महिला जो कि प्रोटेस्ट करने यहाँ पर पहुंची थी उनको तो डिटेन कर लिया गया, लेकिन टीएमसी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं उनको किसी पुलिसकर्मी ने कुछ नहीं बोला। और आप देखेंगे कि अभी भी जो नारेबाजी है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो कि रूपा गांगुली का विरोध कर रहे थे। तो सवाल यही खड़ा होता है कि एक महिला जो कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुंची थी उनको डिटेन किया गया, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर अभी भी आपको साफ तौर पर नारेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे और कहीं ना कहीं गो बैक के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं। आप पूरी तरफ तस्वीर देखेंगे, ये कोलकाता पुलिस के लोग हैं, कोलकाता पुलिस के लोग हैं जिन्होंने रूपा गांगुली को डिटेन कर लिया। रूपा गांगुली दरअसल जो आज वेस्ट बंगाल बंद करने की बात जो है वो की जा रही थी, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक लोगों से जुड़ने के लिए वो लोग आए थे और उसके बाद अब आप ये देख रहे हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा। आप लोग क्या, आप लोग रूपा गांगुली का विरोध कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी का गो बैक के नारे किसके लिए थे? बंद करने से कुछ नहीं होगा ना, कोई चलने से सब कोई सवाल, बंद करने तो सरकार का क्षति हो जाएगा ना, इसके लिए बंद का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आंदोलन चल रहा है, एक आदमी का हॉस्पिटल में अर्जी कर का हुआ तो आंदोलन चलने दीजिए, बंद करने तो कुछ काम नहीं होगा ना, बंद करने का तो देश का राज्य का क्षति होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप बीजेपी के साथ नहीं है इसको लेकर? किसी का कुछ राजनीतिक दल का साथ नहीं है, लेकिन बंद करने से कुछ नहीं होता, स्वाभाविक चलने दीजिए, उसका बाद में कोई भी ये करने दीजिए, बंद करके कुछ फायदा। ये लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। आप लोग क्या, आप लोग विरोध कर रहे थे? आप लोग सिर्फ विरोध कर रहे थे क्यों विरोध कर रहे थे? बोलो बोलो, आप बताइए, नारेबाजी आप भी कर रहे थे ना, आप लोग क्यों विरोध कर रहे थे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। रूपा गांगुली, हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं जो घन घटा है आरजी कर में, उसका लिए हम लोग का मुख्यमंत्री भी बोले हैं जो उसका फांसी चाहिए, तो बंद किस का राजनीतिक फायदा लूटने के लिए बीजेपी वालों ने बंद किया। छात्रों पे जो लाठियां चल रही है उसको लेकर छात्र लोग क्या करने गया था वहाँ पर?
अपनी मांगों को लेकर बैरिकेड तोड़ने क्यों गया था? बैरिकेड तोड़ने क्यों गया था? सेफ्टी की मांग करने। सेफ्टी की मांग शिफ्ट में जो महिलाएं काम करती है तो बात किया। ये टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता है, अब यहाँ से वो वापस जाते हुए आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन इन लोगों की आप विचारधारा समझिए। जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया, तो उनका कहना है कि वो बैरिकेड